देश में CAA और NRC को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट्स का दौर लगातार जारी है। वहीं हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस JMM राजद महागठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस की झारखंड में भी जीत हुई है। इसी को लेकर बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट कर सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया कि सर, चीज़ें अब आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही हैं और अब ये साफ देखा जा सकता है कि हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष से एक होने से सत्ता आपके पैरों के नीचे से खिसक गई है। वहीं अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि और ऐसा निश्चित रूप से भारत के असली चाणक्य शरद पवार के नेतृत्व की वजह से सबसे योग्य पिता के सबसे योग्य पुत्र उद्धव ठाकरे के कारण हुआ। EVM और आपकी सभी चालों के बाद अब झारखंड की बारी है। और हाँ, गलत प्रचार प्रसार, कैब, CAA और NRC की वजह से अराजकता फैल गई। मैंने आपको नहीं बताया सर, फिर ना कहना, होशियार न किया, खबरदार न किया। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि देश के लिए कुछ करो, अपने अहंकार, खोखले वादों, दोहराव और विरोधाभासी भाषणों से छुटकारा पाओ। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इस ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और शत्रुघ्न सिन्हा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।